हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, दशमलव संख्याओं का घटाव करना सीखेंगे। तो दशमलव संख्याओं का घटाव करने के लिए हम क्या करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए, हम इन प्रश्नों के सहारा से आपको बताएंगे कि हम कैसे भिन्नों को घटाते हैं। तो देखिए, हम इस तरह का एक प्रश्न लिए हैं। इसमें देख रहे हैं, लिखा गया है कि 53.68 प्लस 53, और देखिए माइनस इसमें लगा है कि -0.089, फिर माइनस करके कि 0.0008। इस तरह का यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख रहे हैं इसमें धन भी लगा है और ऋण भी लगा है। देख रहे हैं दो संख्याएं धनात्मक हैं, दो संख्याओं के साथ धन है और दो संख्याओं के साथ ऋण लगा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम इसको, इसका हल ऐसा शुरू करते हैं। तो हम इसका हल कैसे लिखेंगे, तो पहले हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। और देखिए, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस लगा कर कोष्ठक लगा दें, तो माइनस के अंदर चिन्ह बदल जाएगा, धन धन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं कि 53.68 प्लस 53, और यहाँ देखिए माइनस में लगा देते हैं। इसके बाद इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा 0.089, और हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0.0008। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा। चलिए हम इनको इस तरह से जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए हम लिखते हैं इसको कि 53.68, और इसके नीचे देखिए लिखेंगे 53 है, इसमें और कोई संख्या दशमलव के बाद नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 53.00, ऐसा करके लिख सकते हैं। और देखिए यहीं बगल में हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से ऐसे करके यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं। अब देखिए माइनस लगा करके इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.089, और इसके नीचे लिख देंगे 0.0008, इस तरह से लिख देंगे। अब हम देखिए इसको ऐड करेंगे, मैंने इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और ये हो गया देखिए दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 3, 3, 6 हो गया, और ये हो गया 5, 5, 10, यहाँ पर आ गया 106.68 आ गया। और देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे देखिए कितना आ रहा है, तो आ रहा है यहाँ पर 0 लगा देंगे तो हो जाएगा ये 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 8, और यहाँ देखिए ये गया 0, इसके बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं अब एक ये संख्या आ गई इसको जोड़ने के बाद। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करने के लिए आप चाहे तो इसको आप कालम के रूप में लिख करके कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह लिख दें, पहले लिख दें कि 106.68, और इसके नीचे माइनस लगा करके लिख दें कि यहाँ पर देखिए 0 है, तो हाँ आप यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। इसके बाद ऐसे लिख करके इसको लिख दें 0.898, इस तरह। अब आप इसको घटा देंगे, तो घटाने पर देखिए यहाँ पर आप 0 ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। अब आप इसको घटाएंगे
तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, तो आप इससे उधार लेंगे, जीरो इसके पास कुछ नहीं थे भी, इससे अपने बगल से उधार लेगा, ये हो जाएगा दस, दस में साठ घट जाएगा, जाएगा दो। यहाँ देखिए ये नौ बचा, नौ में से नौ जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर सात, सात इससे एक उधार लेगा सत्रह हो जाएगा, सत्रह में से आठ गए नौ हो गया। यहाँ पर देखिए पाँच बचा, और इसके बाद यहाँ देखिए आ गया, ये हो गया छः जीरो एक। इस तरह से आपका आंसर आ गया 106.5902। तो यह आपने बड़े सरल ढंग से घटा लिया। इसी तरह से देखिए दो क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे, उसको भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख देंगे कि 32.24, आप ऐसे इसको लिखेंगे कि 32 तीसरा प्रश्न है, दूसरा इसको लिख देंगे कि 32.24 और नीचे लिख देंगे कि -19.758। इस तरह से आप इसको लिख करके घटा सकते हैं। तो घटा दें तो कितना जाएगा देख रहे हैं, 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए 3 बचा, इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ देखिए बचा 1, ये इससे उधार लेगा हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया आ गया 4। यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, इसके बाद देखिए यहाँ 1 बचा, यह 3 से 1 उधार लेगा तो होगा 11, 11 में से 9 गए 2। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गए 1। इस तरह से आपका घटाना हो गया। इसी तरह से आप देखिए तीसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 12.1 और माइनस में लिखा गया है 0.00896। इस तरह से आपको इसे घटाना है। देखिए ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो लगा दें, यहाँ भी जीरो लगा दें, यहाँ भी जीरो लगा दें, इसके बाद आप घटा देंगे। तो घटाने का तरीका आपको मालूम ही है। अब ये देख रहे हैं ऐसे उधार लेगा तो होगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ 9 हुआ तो 9 में से 9 जीरो हो जाएगा, यहाँ भी 9 हुआ तो 9 में से 8 गया 1 आ गया। देखिए यहाँ पर ये 9 हुआ और इसके नीचे 0 है तो 9 में से 0 यहाँ 9 आ जाएगा। इसके पास अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और यहाँ देखिए 12 में से 12 है, 12 में से 0 घटा देंगे या 2 में से 0 घटाएं 2 आ गया और 1। इस तरह से आ गया 12.091004, ये आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।